फ्रेंड्स, मैंने मार्केट से लिया है किटोन किटोन के न्यू हॉर्न, और ये आपको मार्केट में 250 या 200 के आप मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार के, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हॉर्न है। और चलिए, ये हॉर्न है, उसके लिए आपको एक लगाने के लिए प्लास, एक पेचकस, और ये 10 नंबर की चाबी कह लें आप इसे, और ये नोज प्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले इसे खोलना है, और इसे खोलने के लिए आपको यहाँ साइड में जो नट दिए होते हैं आपने एक इसे और इसके ऊपर है इसे और एक इसे और इससे ऊपर एक इसे खोलना है। तो चलिए हम खोल लेते हैं। फ्रेंड, दोनों तरफ के नट खोलने के बाद आपने इसको हटा लेना है, और आपने ये जो इंडिकेटर की जो वायर लगी हुई है आपको इसको भी हटा देना है आपने इसको भी। तो चलिए हम इसे हटा देते हैं, और इसी तरह आपने दूसरे वाला भी रिमूव कर देना है, और आपने इसको साइड में रख देना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको हटा दिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जो साइड वाला टप है इसका एक ही नट खोल लेना है, ताकि हम इसे लूज करके यहाँ से वायर को आसानी से आगे तक पहुँचा सकें। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। और इसको खोलने के बाद आपने इसे थोड़ा यहाँ से हटा देना है, यहाँ से थोड़ा लूज कर दें, ताकि हम वायर को वहाँ तक पहुँचा सकें। चलिए, लूज हो चुका है, आप चाहे तो ये नट भी खोल सकते हैं। एंड बैटरी का कनेक्शन करने के लिए आपने सीट को खोलना है, और सीट के अंदर लगे इन नटों को खोलना है आपने, एक इसे और एक इसे, और दो नीचे लगे हुए हैं इसे और इसको, और जो तीन ऊपर लगे हुए हैं छोटे नट, इनको खोल लेना है 12 नंबर की गोटी से। खोलने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आपने फ्रेंड किसी को नहीं छेड़ना है, और आपने सीधा बैटरी को उठाना है, और बैटरी को उठा के इसे इसके जो डब्बा वाइट कलर का जो देख रहे हैं, रिमूव करने के लिए आपको ये जो नीचे आपको ब्लैक कलर की पट्टी देख रहे हैं आप इसे, इसको यहाँ से हटा देना है आपने, और इसको अलग कर देना है। और उसके बाद इस वाइट कलर के डिब्बे को आपने यहाँ से जिसके लॉक लगे हैं इनको खोल लेना है, और बैटरी को आपने बाहर निकाल लेना है, ताकि हम वायर का कनेक्शन कर सकें। देखिए, मैंने इसको हटा दिया है, और उसके बाद हम बैटरी को ये प्लस पॉइंट, जो ये प्लस पॉइंट है इसको आपने खोल लेना है पेचकस के साथ। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, बैटरी कनेक्शन पहुँचाने के लिए आपको वहाँ तक 2 मीटर वायर चाहिए होगी, और वायर को नीचे से यहाँ से आपको वहाँ तक इसको क्रॉस करना होगा। इसको निकाल लेना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से निकालने के बाद आपने इसको ऊपर तक क्रॉस करना है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से लेते हुए हमने ऊपर तक यहाँ तक क्रॉस करना है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ ये किसी को टच ना हो, और यहाँ पर आपने इसको, उसके बाद फ्रेंड हमने हॉर्न पट्टी को यहाँ से इतना इसको मोड़ लेना है, और चलिए हम इसे मोड़ लेते हैं यहाँ से इतना। फ्रेंड्स, मोड़ने के बाद हमने इस पट्टी को जहाँ से हमने छोटा इसका हॉर्न खोला था वहाँ पर नट लगा के इन दोनों पट्टी को मोड़ के ऐसे हमने इसको फिट कर देना है, और 10 नंबर का नट लगा देना है। और नट लगाने के बाद आपने इस नट को टाइट कर देना है अच्छे से,
10 की चाबी लेके आपने इसको कस देना है, और आप ध्यान रखना कि बिल्कुल सीधा हो, किसी को टच ना करें, और अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से लग चुकी है, ना ही कहीं किसी को टच हो रही है। और उसके बाद हमने इस यहाँ हॉर्न फिक्स करने हैं। चलिए हम हॉर्न फिक्स कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए हम हॉर्न को लगा लेते हैं। आपने यहाँ हॉर्न को फिट कर देना अच्छे से, और एक 10 नंबर का नट यहाँ लगा देना। आपने ध्यान रखना है कि इस साइड भी आपने हॉर्न को लगाना है। इस साइड तो आपने लगा लिया है, और इस दूसरी साइड भी आपने हॉर्न को लगा देना है। तो चलिए हम लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों तरफ हॉर्न को लगा लिया है, और ये अच्छे से लग चुके हैं। आपने ध्यान रखना कि यहाँ पूरा गैप रहे, इस साइड भी और इस साइड भी, तो टच ना करें। और उसके बाद आपने एक वायर को अर्थ में लगा देना है, जैसे मैंने लगाया है, और दोनों क्लिप को रिले में लगाना है। और रिले को लगाने के लिए आपको एक रिले, ये रिच डायमंड की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रिले कनेक्शन करने के लिए आपको जो आमने सामने के जो दो हैं 86 85, उसमें आपने दोनों पॉइंटर को लगा देना है, जो आपके छोटे हॉर्न में पहले से लगे हुए थे। और उसके बाद जो आपने ये जो वायर जो हमने पीछे से ली थी, उसको हमने लगा लेना है। वो भी आपको बताऊँगा आपने कैसे लगानी है। तो चलिए, आपने इस वायर को इस पॉइंट में लगा देना है अच्छे से, ताकि ये हिले मत। और जैसे कि आप देखने के लग चुके हैं, उसके बाद जो अर्थ की वायर थी, जो अर्थ की है ब्लैक वाली, वो अर्थ में लगानी है। और दो वायर और में लगानी है आपको, एक ब्लैक और रेड, और एक हम इसमें लगा देंगे, और एक रेड वाली इसमें। और जो फ्रेंड जो रह गई है, ये अर्थ वाली हमने लगा रखी है, ये रेड वाली आपने रिले के अंदर इस पॉइंट में लगानी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ आपने रिले को लगा के 10 नंबर का नट लगा देना। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने पूरी स्कूटी को खोला था, उसी तरह हमने इसे दोबारा फिट कर देना है अच्छे से। चलिए हम फिट कर लेते हैं।